में राज्यपाल को अपनी मांगों का एक ज्ञापन देने के लिए अपना दल के कार्यकर्ता और अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष जा रही थी, लेकिन पुलिस ने उनको रास्ते में ही रोक लिया। अपना दल पार्टी ने केंद्र प्रदेश की सामाजिक न्याय नीति विरोधियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। लोकतांत्रिक तरीके से अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जैसे ही कार्यालय से 5 सूत्री मांगों को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के लिए निकली, अपना दल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता ने वर्तमान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, जिसमें जातिगत जनगणना कराओ, ओबीसी की अनदेखी क्यों, केंद्र प्रदेश सरकार जवाब दो, शिक्षा भर्ती में आरक्षण घोटाले की जाँच कराओ, ओबीसी के रिक्त पदों पर भर्ती कराओ नारे आते हुए चल दिए। अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल इन सभी मांगों को लेकर महामहिम राज्यपाल को अपने समर्थकों के साथ ज्ञापन सौंपने के लिए लिखनी, लेकिन भारी संख्या में मौजूद पुलिस बल ने कार्यालय के चंद कदम दूरी पर कृष्णा पटेल और उनकी बेटी और तमाम कार्यकर्ताओं को रोक लिया, आगे जाने से मना कर दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने कहा कि यह मेरी लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन पुलिस नहीं मानी, मजबूर हो कृष्णा पटेल को एसीपी हजरतगंज के कार्यालय के बाहर ज्ञापन देना पड़ा। इकबाल अहमद, लखनऊ, समाचार 24। जैसा कि आपने देखा कि कृष्णा पटेल जी को ऑफिस के बाहर चंद कदम की दूरी पर पुलिस बल ने जो है वो रोक लिया और उनको आगे बढ़ने नहीं दिया। यह आपको बता दें कि किस तरह से उनको और उनके समर्थकों को लालबाग चौराहे पर ही रोक लिया गया और उन एसीपी जो हजरतगंज है उन्होंने यहीं पर ही उनका ज्ञापन ले लिया और आगे बढ़ने नहीं दिया, जबकि उनका कहना था कि वो शांतिपूर्वक तरीके से ये ज्ञापन सौंपने महामहिम राज्यपाल जी को जा रही थी, लेकिन उनको बलपूर्वक रोक लिया और आगे बढ़ने नहीं दिया। और लोकतंत्र में इस तरह से विपक्ष को दबाने की जो कोशिश की जा रही है, उसकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, वो हमने आज आपको अपने कैमरे के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है। इस वक्त हम मौजूद है राजधानी लखनऊ के लालबाग स्थित अपना दल के कार्यालय पर और आप देख सकते हैं यहाँ पर अपना दल के तमाम कार्यकर्ता जो है वो महामहिम जो राज्यपाल को ज्ञापन सौंपना चाहते हैं जातिवाद को लेकर, लेकिन पुलिस द्वारा इनको यहीं पर रोक लिया गया है। और हमारे बीच में अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल जी मौजूद है, हम उनसे बातचीत करते हैं। पुलिस जो है उनको आगे नहीं बढ़ने दे रही है और वो शांतिपूर्वक चाहती है कि अपना ज्ञापन जो है महामहिम राज्यपाल को सौंपे, लेकिन पुलिस द्वारा उनको कार्यालय के बाहर निकलते ही रोक लिया गया है। इस वक्त हमारे साथ में कृष्णा पटेल जी मौजूद है। कृष्णा पटेल जी आगे नहीं जाने दे रही, क्या बात है? ये आज का जो प्रोग्राम था वो आपकी बात को लेकर ये हमारे लोग इसी तरह हो पाएंगे, कम से कम 60,000 की भर्ती के लिए ज्ञापन देने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब की पटेल के लिए सीबीआई जांच के लिए उस पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार हमारा ज्ञापन लेने के लिए हमारे सक्षम अधिकारी के तौर पे राघवेंद्र एसीपी हजरतगंज साहब राघवेंद्र कुमार मिश्र जी जो स्वयं एसीपी हैं और मजिस्ट्रेट का पावर रखते हैं, आपके माध्यम से आपकी कवरिंग के साथ हमारा ये पत्र राजभवन को जाएगा, महामहिम राष्ट्रपति को जाएगा। इस भावना के साथ, इस मंशा के साथ हम अपने इस जो लोग आए हैं, ये कोई भीड़ एक कोई संगठित गिरोह के लोग नहीं है, किसी एक मोहल्ले के लोग नहीं है, बल्कि ये प्रतिनिधि लोग हैं, एक एक जनपद से एक एक जिलाध्यक्ष, एक एक जनपद से एक एक मंडल अध्यक्ष, प्रदेश के महत्वपूर्ण पदाधिकारी, ये इतने ही 200-300 लोग जो यहाँ 500 लोग मौजूद हैं, वो ही केवल अपने अपने इलाके के नेता हैं, अपने अपने इलाके का नेतृत्व करते हैं, ये महत्वपूर्ण साथी हैं। हम कोई रैली करने, कोई बड़ा जुलूस निकालने नहीं, बल्कि एक लोकतांत्रिक लालबाग के जो अपना दल का कार्यालय है उसके बाहर खड़े हुए हैं और अपना दल के ये हमारे साथ में कार्यकर्ता नेता है मौजूद है। और अब से कुछ देर पहले आपने देखा था कि ये पूरी जो अपने दल के कार्यकर्ता थे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के साथ में जो महामहिम को ज्ञापन सौंपने जा रहे थे, लेकिन उनको यहीं पर रोक लिया गया है। आइए उनसे जानकारी करने की कोशिश करते हैं। आप लोग जो है राज्यपाल महोदय के पास आप लोग ज्ञापन सौंपने जा रहे थे, लेकिन आगे नहीं बोलने दिया गया और आप लोगों को यहीं पर रोक लिया गया, क्या कुछ कहना है आपका इस बारे में? देखिए, जितना बड़ा तानाशाही जनता की आवाज दबाने में वर्तमान सरकारें कर रही हैं, इतना शायद ब्रिटिश ने किया था कि नहीं किया था, लेकिन हमको नहीं लगता है कि ब्रिटिश भी इतना क्रूर रही होगी। और
लोकतंत्र उसी दिन समाप्त हो जाता है जिस दिन हमको अपनी आवाज उठाने का हक खत्म कर दिया जाता है। आज लोकतंत्र सिसकियां कतरा सिसकी ले रहा, सिसकी ले रहा है। अब उसके मरने का समय है लोकतंत्र का। और इसके बाद देखिए बहुत साफ सी बात है, लोकतंत्र हमेशा दो पहिया पर चलता है, एक होता है सत्ता और एक होता है विपक्ष। चीन की सरकार कम्युनिस्ट पार्टी माने वामपंथी है, जो एक पार्टी की सरकार है और वहाँ रूलिंग कर रही है, वो उनका डिक्टेटरशिप चल रहा है एक पार्टी का। ठीक उसी पैटर्न पर हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ से विपक्ष खत्म करके एक पार्टी की दक्षिणपंथी सरकार, पूंजीवादी सरकार इस देश में कायम कर चंद लोगों को धनी बनाकर, बाकी लोगों को गरीब बनाकर, उनके सेवा में लगा करके उनको गुलाम बनाने के लिए तत्पर है और इनकी यही योजनाएं चल रही है। वो कौन सी मांगे थी जिन मांगों को लेकर आज आप लोग महामहिम जी से मुलाकात करना चाहते हैं? देखिए बहुत साफ सी बात ये है कि मानो एक भंडारा है और उस भंडारे में सबके लिए अलग अलग व्यवस्था है कि इतना इस कौम को देना है, इतना इधर के लोगों को देना है, इतना उन लोगों को देना है। तो जो तो कम लोग हैं, ये आरक्षण के मतलब में समझिए, जो कम लोग हैं उनको आप ज्यादा बता के ज्यादा सप्लाई दे रहे हो, और ज्यादा लोग जो हैं उनको आप कम बता के वो भी नहीं देना चाहते हैं। तो हमारी केवल ये मांग है कि आप जब जनगणना करा रहे हो, जनगणना करता घर घर जाएगा, सबका सब कुछ पूछेगा, उसके साथ अगर उसकी जात भी पूछ के लिख दे तो आपका कौन सा खर्च बढ़ जाता है। नहीं है कि जनगणना जो हो रही है वो जात के आधार पर भी होना चाहिए, जात के आधार पर ही होना चाहिए। भारत धर्म और जाति प्रधान देश है।